बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपना नया अध्याय चालू किया था हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन दी थी और मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन से आपको जानकारी दी। मैंने आपको संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए, मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। ठीक है, तो बच्चों उसी कड़ी में हम आज अपने IUPAC नामकरण की ओर आगे बढ़ गए हैं। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का हाइड्रोकार्बन के लिए। तो चलिए आज हम सबसे पहले एल्केन के IUPAC ठीक है नामकरण को लिखने के नियमावली समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करता जाऊंगा, मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करता जाऊंगा और साथ साथ में आपको बताता भी चलूंगा कि आपको नियम क्या लेने हैं। बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। बच्चों कार्बन कार्बन की सबसे लंबी ठीक है श्रृंखला का क्या करना होगा, चुनाव चुनाव करना होता है। बच्चों अपने दिमाग में आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि जब आप एल्केन का IUPAC या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कार्बन कार्बन की शतत है ना, कार्बन कार्बन की, यहां पे मैं एक वर्ड आपके साथ यूज कर रहा हूं और वो है सतत, जिसको हम कहते हैं लगातार ठीक है निरंतर अविरल। ये बहुत सारे शब्द हैं, सभी का मतलब एक ही होता है, तो ऐसी श्रृंखला आपको चुननी है जो कि सबसे लंबी भी हो। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों मैं एक उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं, अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से एक श्रृंखला चुनी CH3 CH2 CH CH और CH3। मान लीजिए मैंने यहां पर CH3 ले लिया और यहां पर भी मैंने CH3 ले लिया। तो बच्चों अगर मान लीजिए ये एक कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। बच्चों देखेंगे कि जो नियमावली है कि कार्बन कार्बन की सतत लगातार निरंतर या अविरल सबसे लंबी श्रृंखला का हमको क्या करना है, चुनाव करना होता है। तो कैसे करेंगे वो चुनाव अब आप उदाहरण में देखेंगे। तो बच्चों ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यह है चौथा कार्बन। तो 1 2 3 4 इस तरह से आप चुन सकते हैं, या फिर आगे देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये है पांचवा कार्बन। तो चार से बड़ी श्रृंखला है पांच, यानी कि जो हमने पहला वाला चुनाव रखा ये हमारा क्या हो गया, असफल हो गया। तो अभी हम दूसरे वाले पर ठीक बैठ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस उदाहरण के फलस्वरूप हम पांच कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सीधी वाली पांच कार्बन की जो श्रृंखला है इसका चुनाव कर लेता हूं, ठीक, और मैं कह देता हूं कि ये हमारी कहलाएगी मुख्य श्रृंखला। क्या कहेंगे बच्चे इसको, मुख्य श्रृंखला ठीक। तो हमने कहा था कि कार्बन कार्बन की सतत सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो मेरे यौगिक के अनुसार मैंने जो उदाहरण आपको दिया उसके अनुसार हमने पांच कार्बन की श्रृंखला का चुनाव किया। एक दूसरी श्रृंखला भी चुनी जा सकती है और वो श्रृंखला होगी कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिए मैं केवल उसके कल स्टार्ट तो वहीं से हमने किया बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट में वहीं से कर रहा हूं, ये स्टार्ट किया, इस तरह से आगे बढ़ी श्रृंखला हमारी,
अब ये सीधी ना जाकर ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी आपकी पांच कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। हम देखेंगे कि अगर हम इसको पहली श्रृंखला मानेंगे और ब्लू वाली चेन के अंदर जो है इसको द्वितीय श्रृंखला मानेंगे, तो दोनों में पांच कार्बन की श्रृंखला है ना, दोनों में पांच पांच कार्बन इंक्लूड किए गए हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, लगातार सतत, ठीक है, निरंतर, जिसमें कार्बन की संख्याएं छूट ना रही हों, ऐसी श्रृंखला का आपको चुनाव करना होता है। बच्चों महत्वपूर्ण बात, मैं दूसरे नियम पर आ जाऊंगा। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। तो बच्चों दूसरा नियम कहता है लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला चुनाव के बाद। बच्चों लंबी श्रृंखला चुनाव के बाद हम कार्बन का क्या करेंगे, अंकन हम करेंगे बच्चों, कार्बन का अंकन, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, लंबी श्रृंखला चुनाव के बाद हम कार्बन का क्या करेंगे, अंकन करेंगे। अंकन का मतलब है गिनती, उस सिरे से, उस सिरे से जहां से पार्श्व श्रृंखला, जहां से पार्श्व श्रृंखला पास, या हम कह दें बच्चों नजदीक पड़ती पड़ती है, या नजदीक होती है, ठीक है, पास पड़ती है या नजदीक होती है, इसको समझते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो आपको केवल मुख्य श्रृंखला की जानकारी दी, पार्श्व श्रृंखला की जानकारी दी नहीं। तो बच्चों उदाहरण जो ऊपर आपके सामने हैं, उसी श्रृंखला में आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जिसको मैंने मुख्य श्रृंखला के रूप में एक और दो कहा, उसके नीचे ये जो श्रृंखलाएं अब आप शेष देख पा रहे हो ना, इस तरह से, अगर ये ब्लू वाली आपकी मुख्य श्रृंखला है तो ये आपकी पार्श्व श्रृंखला की श्रेणी में आएगी, और अगर नंबर एक मुख्य श्रृंखला है तो अब ये भी आपकी पार्श्व श्रृंखला की श्रेणी में आएगी। यानी जो अतिरिक्त श्रृंखलाएं आप देख पा रहे हो ना मुख्य श्रृंखला के साथ जो जुड़ी हुई है, वो सभी क्या कहलाएंगी, पार्श्व श्रृंखला। एक उदाहरण वापस आपके सामने लूंगा और आप उसको समझ पाएंगे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों उदाहरण मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है बच्चों CH3 CH2, फिर मैंने ले लिया CH, फिर मैंने ले लिया CH, उसके बाद मैंने ले लिया CH3। वही एग्जाम्पल पूर्वानुसार है, मैंने यहां पे ले लिया CH3, ठीक है, ये CH3 है और इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया CH3 अगेन। तो बच्चों सबसे पहले पहला नियम हम लागू कर देते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो नंबर वन, ठीक है, और इस तरह से मैंने ये स्ट्रेट लाइन को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुना, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, ये मुख्य श्रृंखला है। बच्चों मुख्य श्रृंखला के चुनाव के बाद अब ये जो शेष श्रृंखलाएं आप देख पा रहे हो, ये आपकी कहलाएंगी, ये आपकी कहलाएंगी पार्श्व श्रृंखला, ये हमारी पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है, ये हमारी पार्श्व श्रृंखला है। हमारा रूल कह रहा था कि हम मुख्य श्रृंखला में कार्बन का अंकन करेंगे, गिनती करेंगे। हमको मालूम है हमारी मुख्य श्रृंखला में पांच कार्बन है। मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि ये कार्बन नंबर वन होगा या ये कार्बन नंबर वन होगा, यानी जब मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो मेरे दाएं हाथ की तरफ जो कार्बन है उसको मैं नंबर वन चुनूं, या मेरे बाएं हाथ की तरफ जो कार्बन है उसको मैं नंबर वन चुनूं, तो ये मेरे सामने समस्या होगी। अब अगर आप कहते हो कि सर आपकी मर्जी आप चुन लो, तो मैं दाएं हाथ से स्टार्ट कर दूं, तो कभी आपने अगर बाएं हाथ से स्टार्ट कर दिया तो हमारे नियम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए हमको और आपको बैठकर नियम बनाने पड़ेंगे
कि जो चुनाव में आपको बताऊं, जो नियम में आपको बताऊं, उन्हीं नियमों के तहत आप भी इसको फॉलो करें। तो बच्चों, हमारा नियम कहता है मुख्य श्रृंखला के चुनाव के बाद, ठीक है, कार्बन का अंकन उस सिरे से करिए जहां से पार्श्व श्रृंखला को न्यूनतम अंक पर रखा जा सके। चलिए गिनते हैं मेरे साथ, समझिएगा। इस तरफ से इसको नंबर वन चुनता हूं, इसको नंबर टू चुनता हूं, तो इसको नंबर थ्री चुनूंगा, इसको नंबर फोर और इसको नंबर फाइव चुनूंगा। अगर मैंने गिनती बाएं हाथ से रखा बच्चों, ठीक है, बोर्ड को देखते हुए अगर मैं बाएं से गिनती कर रहा हूं, तो ये मेरा नंबर वन कार्बन है और ये मेरा नंबर फिफ्थ कार्बन है। तो मैं देख सकता हूं कि मेरी जो पाठ श्रृंखला है वो दो तीन नंबर पर आ रही है और एक पाठ श्रृंखला चार नंबर पर आ रही है। यानी पाठ श्रृंखला को या तो तीन प्राप्त होगा या तो चार प्राप्त होगा, तीन और चार प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जबकि अगर मैं दूसरा चुनाव करूं, तो दूसरे चुनाव पर पहले आपको ले चलता हूं, दूसरा चुनाव करूं जबकि मैं दाहिने हाथ से बोर्ड को देखते हुए मैं दाएं हाथ से काउंटिंग करूं, मैं इसको नंबर वन चुनूं, इसको नंबर टू चुनूं, इसको नंबर थ्री चुनूं, इसको नंबर फोर और इसको नंबर फाइव चुनूं, ऐसी सिचुएशन में पार्श्व श्रृंखला को या तो दो प्राप्त होगा या तो तीन प्राप्त होगा। तो मैंने आपको नियम नंबर दो बताया कि जब आप मुख्य श्रृंखला की कार्बन की गिनती करेंगे, जब आप उनका अंकन करेंगे, तो अंकन आप उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होगी, पास होगी। तो बच्चों, आप मेरे दोनों नियमों को समझने के बाद देख पा रहे हो कि जब मैंने रेड वाले अंकों के आधार पर चुना तो पार्श्व श्रृंखला को अंक तीन और चार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने ग्रीन वाले से चुना तो पार्श्व श्रृंखला को दो और तीन प्राप्त हो रहे हैं। तो दो और तीन जो है वो किससे, तीन और चार से छोटे हैं, ठीक है। यानी पार्श्व श्रृंखला को सही तरीके से चुनने का जो नियम बनेगा वो ये बनेगा कि इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम कहां से चुनेंगे, हम चुनेंगे दाएं से बाएं की तरफ। क्लियर हो गई मेरी बात? बिल्कुल। तो बच्चों, अब हमने यहां पे चुनाव भी कर लिया नियम नंबर दो के आधार पर। मैं अब आपको नियम नंबर तीन बताने जा रहा हूं। नियम नंबर तीन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर तीन, मुख्य श्रृंखला कार्बन अंक चुनाव के बाद, मुख्य श्रृंखला कार्बन अंक चुनाव के बाद सबसे पहले हम पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। वो भी उस अंक के साथ जिस पर वह मुख्य श्रृंखला से जुड़ी है या जुड़ती है। क्लियर होगी बच्चों मेरी बात? तो मैंने आपके सामने बोला नियम नंबर तीन कहता है कि मुख्य श्रृंखला कार्बन अंक के चुनाव के बाद हम सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। बच्चों, किसका नाम लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, वो भी उस अंक के साथ जिस पर वो मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। उदाहरण आपके सामने है, इसी उदाहरण को मैं पुनः अगले पेज में लेता हूं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। तो बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए। उदाहरण पूर्वानुसार ही है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं CH3 CH2 CH। इस पर एक CH3 था, फिर मैंने लिया बच्चों CH और इस पर भी CH3 आ गया, फिर मैंने कनेक्ट कर दिया CH3। तो सबसे पहले पहला नियम लगा दीजिए, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए। तो बच्चों, पांच कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो स्ट्रेट वाली है, मैंने स्ट्रेट को सबसे पहले मुख्य श्रृंखला के रूप में चुन लिया। ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई।
बच्चों, दूसरा नियम मैंने आपको बताया, हम करेंगे कार्बन की गिनती, वो भी उस सिरे से जहां से पार श्रृंखला को न्यूनतम अंक पे रखें। इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, हमने ग्रीन वाले अंक से चुनाव किया था और दाई से बाई ओर करते हुए चलेंगे, तो ये नंबर वन होगा, ये नंबर टू होगा, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर और ये नंबर फाइव होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरा नियम लगाकर कार्बन का अंकन कर दिया। तीसरा नियम कहता है बच्चों, तीसरा नियम कहता है कि हम सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, वो भी उस अंक के साथ जिस पर वो मुख्य श्रृंखला से जुड़ती है। तो यहां पर बच्चों एक नहीं बल्कि दो दो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, एक पार्श्व श्रृंखला आपकी तीन नंबर पर है और एक पार्श्व श्रृंखला आपकी दो नंबर पर है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि केवल दो ही पार्श्व श्रृंखलाएं हो सकती हैं, कोई ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें पार्श्व श्रृंखला ना हो, कोई ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही पार्श्व श्रृंखला हो, ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें दो से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो बच्चों इसीलिए मैं लगातार आपको पहले रूल्स क्लियर कर रहा हूं, मैं फिर बाद में इन कंपाउंड के साथ आपको आगे भी लेकर चलूंगा। ध्यान से देखिए, अब इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है, मैं दो और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूं, CH2 और CH3। ठीक है बच्चों, इस कंपाउंड में हम देखेंगे ध्यान से, तो कोई भी पार्श्व श्रृंखला जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, यहां पर सीधी सीधी पांच कार्बन की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है जो कि केवल हमारी मुख्य श्रृंखला के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपके सामने ले लेता हूं बच्चों। अगर मान लीजिए मैं इस तरह से एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CH2, फिर मैंने यहां ले लिया CH और मैंने ले लिया CH3। अब मैंने इस पर जोड़ दिया बच्चों CH3। इस कंडीशन में अगर मैं आपके सामने मुख्य श्रृंखला का चुनाव करूं तो बच्चों वही होगा कि मैं सबसे पहले पांच कार्बन की ये सबसे लंबी श्रृंखला को चुनाव के रूप में करूंगा। देखिए, फिर आ जाएगा इस पर कार्बन के अंक, है ना, इस पर कार्बन के अंक लूंगा, इन दोनों पर आपको बताऊंगा। तो पहले इस पर बताता हूं, जब मैं यहां से करूंगा तो नंबर वन, दिस इज 1 2 3 4 5। अगर बच्चों मैं बाएं से दाएं की ओर चलता हूं तो पार्श्व श्रृंखला को दिया गया अंक तो कितना प्राप्त हो रहा है, चार। लेकिन अगर बच्चों मैं इसी क्रम में दाएं से बाएं की ओर चलने का प्रयास करता हूं, अगर मैं इसको, ठीक है, दाएं से बाएं अगर मैं चलने का प्रयास करता हूं तो दिस इज 1 2 3 4 5। तो बच्चों इस क्रम के अनुसार आप देख सकते हैं कि मेरी पार्श्व श्रृंखला को जो अंक प्राप्त है वो न्यूनतम है जबकि वो दो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में मैंने अभी जो अंकन आपके सामने किया ना बैगनी रंग से, ये मेरा एक सही क्रम होगा, यानी कि मैं ग्रीन वाले को अगर चुनूंगा तो वो नियम गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में चूंकि बच्चों कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी सिरे से कार्बन का अंकन कर सकते हैं। तो मैं कहीं से भी कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो हमने कार्बन का अंकन कर दिया और तीन नियम समझ लिए बच्चों। अब इतने नियम के आधार पर हम अपने कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं, समझिए बच्चों। ऊपर जो कंपाउंड है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर वन, इसको एग्जाम्पल नंबर टू और इसको एग्जाम्पल नंबर तीन कह देता हूं, तो पहले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुन ली, कार्बन का अंकन भी कर दिया। कार्बन के अंकन के बाद हमने बोला था, नियम नंबर तीन कहता था कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, वो भी उस अंक के साथ जिस पर वो मुख्य श्रृंखला से जुड़ी है। तो यहां पर दो दो पार्श्व श्रृंखलाएं, एक दो नंबर पर, एक तीन नंबर पर, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टू और मैं लिखूंगा थ्री। बच्चों याद करिए, मैंने जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने आपको कुछ अंक बताए थे, एक को मैंने बोला था मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोना और दस को डेका। बच्चों ये अंक मैंने जो आपको बताए थे, अब इन अंकों को प्रयोग करने, उपयोग में लाने की जो समय है वो आ गया है। और अगर आपको ये चीज अच्छे से याद नहीं है तो प्लीज आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर उनको देखिए, यानी जिस दिन हमने इस अध्याय को प्रारंभ किया तो उस अध्याय में जाकर, उस वीडियो में जाकर आप पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वहां पर उनको याद कर लीजिए और फिर आप इसको वापस आ जाइए। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, यहां पर एक और एक दो अंक, और दो को हम कहते हैं डाई, तो हमने लिख दिया बच्चों डाई, दो को डाई कहते हैं। हम ये देखेंगे डाई बार क्या जुड़ रहा है, तो बच्चों डाई बार क्या जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है ना। और बच्चों CH3 को हम कहते हैं मैथिल। अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, मैं इसी टॉपिक में, इस
क्लास के बाद आपको जरूर बताऊंगा कि ये मैथिल कहां से आया। पूरे नियम को बता देने के बाद एक बार वापस आपको इनको लिखने की प्रैक्टिस भी दूंगा, तब मैं वहां पर आपको ये छोटी छोटी सी बातें भी बता दूंगा। तो बच्चों ये भी मैथिल और ये भी मैथिल है ना, दोनों एक जैसे हैं, तो 2 3 ढाई इसके साथ हम लिख देंगे मैथिल। ठीक है बच्चों, तो ये नियम नंबर 3 हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। चौथा जो नियम है बच्चों, महत्वपूर्ण नियम, वो ये कहता है कि मुख्य श्रृंखला के चुनाव कार्बन के अंकन, ठीक है, उपवास श्रृंखला के नाम के बाद हम मुख्य श्रृंखला के कुल कार्बन को गिनकर उचित अनुलग्न जोड़कर यौगिक का नाम प्राप्त करते हैं। तो बच्चों मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन 5 है, तो हम 5 कार्बन को पूर्व लग्न के रूप में कहते हैं पेंट, और पेंट के साथ हम एल्केन का अनुलग्न जोड़ देंगे, क्योंकि ये सभी एकल बंधित यौगिक है, एल्केन के नाम लिख रहे हैं अपन, तो पीछे हो जाएगा क्या, पेंटेन। और इस तरह से बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,3-डाइमेथिल, प्रयोग करके आपको पेंटेन के संदर्भ में जानकारी दी। आगे नियम उदाहरण नंबर 2 को देख लीजिए, इसमें कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है, ठीक है, मुख्य श्रृंखला का चुनाव हम कर चुके हैं, कार्बन का अंकन कर चुके हैं, सीधा सीधा इस कंपाउंड का नाम केवल पेंटेन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप आयुपिक नेम कर रहे हैं, तो नंबर 1 कार्बन के पीछे ये बाकी के कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप यहां पे चाहें तो नंबर 1 लिख सकते हैं, इसी तरह से आप यहां पे भी नंबर 1 लिख सकते हैं, 1 को मेंशन करना अनिवार्य नहीं होता, आप कर भी सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, उदाहरण नंबर 3 कहता है कि 2 नंबर पर सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2-मेथिल, हमने लिख दिया 2-मेथिल। बच्चों उसके बाद कुल कार्बन को गिन लीजिए, कुल कार्बन हमारे पास 5 है, कुल कार्बन को बोलेंगे पेंट, ठीक है, और उसके पीछे एन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पेंटेन, और इस तरह से हमको एक और कंपाउंड मिलेगा। फिर वही चीज कि नंबर 1 कार्बन के पीछे ये बाकी के सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां पर भी नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या किया, आईयूपीएसी के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए, इन नियमों की कड़ी में अभी कुछ नियम और भी हमारे पास बाकी हैं, तो अगली क्लास में उदाहरण के साथ स्टार्ट करूंगा, जिसमें और भी नियमों को अब हम ऐड करते जाएंगे और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, इनको आप बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करें। थैंक यू।